असलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ डर्माशाइन हर्बल फेशियल। डर्माशाइन के प्रोडक्ट जो है वो हर्बल होते हैं ज़्यादातर, और इनकी एक बेसिक फेशियल रेंज है जो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे डर्माशाइन का डीप क्लेंजिंग ब्राइटनिंग क्लेंजर। और ये क्लेंजर जो है ये क्रीम बेस्ड होता है, और इसमें ये क्लेम करते हैं कि ये मेकअप भी रिमूव करता है और ये क्लेंजिंग भी करता है, आपकी स्किन की डीप क्लेंजिंग भी करता है। तो ये इसको मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, इसकी सेकेंड बॉटल है ये, क्योंकि इसकी क्लेंजिंग अच्छी थी तो मैंने दोबारा खरीदा था। फॉर ब्राइटर एंड लाइटन कॉम्प्लेक्शन, ये आपके टैन को रिमूव करता है। डेली बेसिस पे आप इसे क्लेंजिंग कर सकते हैं, ये आपके टैन को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को डीपली क्लेंज करता है। तो ये अच्छा है। इनके प्रोडक्ट जो है वो IRP UK बेस्ड होते हैं, लिपकारा ही जर्मनी बेस्ड होते हैं। लिपकारा से ही ऑर्डर कर सकते हैं आप, लिपकारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने ये मार्च से खरीदे थे और फर्स्ट टाइम पहले तो मैंने इससे क्लेंजर खरीदा था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला मुझे इतना फास्ट नहीं लगा। और मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। इस टाइप का है ये, क्रीमी टाइप, और ये क्लेम करते हैं कि ये आपकी जेंटली क्लेंजिंग करता है और मेकअप रिमूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें मेकअप रिमूव मेरी ये सेकेंड बॉटल है, मुझे अच्छा लगा था, दिस वाज अबाउट सेकेंड बॉटल, लेकिन इससे कभी भी मेकअप रिमूव नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही क्लेंजिंग के लिए अच्छा है। इसके बाद ये वैसे भी आप डेली बेसिस पे इससे क्लेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर्बल बेस्ड है तो इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट इनका है स्क्रब, लाइटन स्क्रब हर्बल ब्राइटनिंग फॉर्मूला लाइटनिंग फेस स्क्रब। ये जेंटली एक्सफोलिएट स्मूथ एंड रेडिएंट स्किन। ये बॉटल अभी तक ऐसे ही फुल है मेरे पास, इसकी भी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ ओपन करके। इस तरह से है ये, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है और इसमें लाइट लाइट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये क्लेंजर मेरी स्किन को सूट नहीं किया था। आई ऑलवेज हैव ब्रेकआउट आफ्टर दिस, मेरे हमेशा इसको यूज करने के बाद फेस पे दाने हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी यूज नहीं किया। ये बॉटल ऐसे ही रखी हुई मेरे। क्लेंजिंग और स्क्रब करने के बाद बारी आती है कोई भी मास्क अप्लाई करने की, या तो आप कोई भी फेशियल मास्क अप्लाई करें या पील ऑफ मास्क अप्लाई करें, क्योंकि स्क्रब करने के बाद हमारी जो स्किन है उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो एक मस्ट वी नीड टू अप्लाई द मास्क। कोई भी मास्क आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका एक ककम्बर मास्क है, एक क्ले मास्क है, डीप क्लेंजिंग क्ले मास्क फर्म इंटाइटेंस। ये आप स्किन को ए फ्लेम करते हैं कि टाइटन करते हैं, क्योंकि हम जब स्क्रब करते हैं क्लेंजिंग करते हैं हमारी स्किन जो है उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम मास्क नहीं लगाते तो हमारी स्किन पे वाइट हेड या ब्लैक हेड छूट जाते हैं। प्रोफेशनल वॉशर फॉर्मूला है, सिंपल क्ले मास्क है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से है, लाइट येलोइश कलर में है इस तरह से। और ये मास्क अच्छा है, बहुत ज़्यादा मीन्स आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, क्योंकि क्ले मास्क है तो गर्मी में यूज़ करने के लिए अच्छा है। इस पे मेंशन है डर्माशाइन एडेड विद नेचुरल कॉम्प्लेक्शन ब्राइटनिंग, हल्की सी ब्राइटनिंग भी होती है स्किन, क्योंकि ये हर्बल फेशियल है तो ये आपको वन टाइम यूज़ में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि इनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स हर्बल होते हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्ट यूज़ के लिए होते हैं। जिस ये आप अपने फेस पे अप्लाई करें क्लेंजिंग और स्क्रबिंग के बाद और सिंपल वॉश ऑफ कर लें इसको। नेक्स्ट इनका मास्क है पील ऑफ मास्क, ये मास्क मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्लेंजिंग एंड बैलेंसेस। ये भी आप एक्सफोलिएट करने के बाद स्क्रब करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस मास्क से लाइट एंड पिंपल मार्क्स, यस एक्जैक्टली, ये लेमन फ्लेवर में होता है, हल्का लाइट येलो कलर में है इसका कलर और कंसिस्टेंसी। ये इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट सा मास्क है इनका, और ये दोनों मास्क ही मुझे अच्छे लगे, लेकिन ये मास्क मैंने ज्यादा यूज़ किया पील ऑफ मास्क, क्योंकि इससे भी होता है कि आपकी जो स्किन है वह प्योरीफाई हो जाती है और इससे आपकी कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइटन होता है। ये मास्क इनका रेकमेंडेड है, बाकी ये प्रोडक्ट जो है वो मेरी तरफ से सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नॉट रेकमेंडेड है। और क्लेंज इनका एक क्लेंजर और एक ये मास्क, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, और ये दोनों मास्क ये भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। ये क्ले मास्क है, वॉशर फॉर्मूला है, और इससे ड्राई हो जाती है स्किन, ड्राई स्किन वाले अवॉइड करें इसको यूज़ करने के लिए, यूज़ करने से। ये अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ये नहीं यूज़ करें, और अगर आपकी नॉन सेंसिटिव स्किन है तो आपके लिए अच्छा होगा। ये आपकी स्किन को लाइटन तो करता है, लेकिन इसके बाद आपके फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, ब्रेकआउट हो जाता है। ये स्किन को वैसे लाइटन करता है, आपको फील होता है, दो तीन दफा अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपकी इसके आपको कॉम्प्लेक्शन अपना लाइटन फील होगा, लेकिन ये यूज करने के बाद आपकी स्किन पे नेक्स्ट डे कोई पिंपल या कोई रैश बन जाता है। इसलिए आई अवॉइड यूजिंग दिस, के अगर आपकी स्किन क्लियर हो तो ज्यादा अच्छी लगती है, इवन के लाइटन से भी ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपकी स्किन क्लियर है, क्लीन है, डीट है, कोई आपकी दाने नहीं है स्किन पर, आपकी कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो और नेक्स्ट ये मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। ये मास्क ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, इसका रिजल्ट भी अच्छा है, बट ये दोनों चीज़ें इसको आई विल रेट 10 out of 9 एंड देन आई विल रेट 10 out of 7 एंड 10 out of 8, क्योंकि ये लाइटिंग तो करता है, इससे ब्रेकआउट होते हैं, और ये भी बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए, अच्छा है ककम्बर है क्योंकि इसके अंदर तो ये आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, और बाकी इनकी रेंज हर्बल रेंज है तो वो लॉन्ग लास्टिंग यूज़ के बाद ही रिजल्ट लगता है। 200 ml की बॉटल, 200 grams की बॉटल में सारी इनकी इनकी आप भी यूज़ करें, और अगर आपने इनकी कोई फेशियल रेंज यूज़ की है और उसके आपके इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स या गुड इफेक्ट्स जो भी हुए हैं बैड इफेक्ट्स, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इनकी फेशियल रेंज काफ़ी अच्छी है, हर्बल जो लोग अपनी स्किन पे केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते वो इस तरह की डर्माशाइन की या इस तरह की हर्बल रेंज ले सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दूँ इसमें भी केमिकल होता है, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हर्बल चीज़ें प्रिजर्व नहीं होती है। हम घर में होम रेमेडी कोई भी बनाते हैं तो हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, वो 3 to 4 days की उसकी फ्रिज लाइफ भी होती है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ प्रिजर्व करने के लिए हमें थोड़ा सा
किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल ऐड करना लाजमी होता है, इसलिए हर्बल सेफ है, ये बिल्कुल 100% हर्बल नहीं होती, लेकिन ये हर्बल बेस्ड होते हैं, फ्रूट बेस्ड है, इनकी सारी जो रेंज है वो फ्रूट बेस्ड होती है। जज़ाकअल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और अपने कोई भी सजेशन आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।